2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अपने परंपरागत वोटर को साधने के लिए बसपा के द्वारा बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। ग्वालियर से शुरू हुई यह यात्रा 66वें दिन बालाघाट जिले में इंटर हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल का कोसमी चौक बालाघाट में जोरदार स्वागत हुआ। तत्पश्चात यह यात्रा अपने अगले पड़ाव को लेकर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हट्टा के लिए रवाना हुई। बीजेपी मीडिया ने इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा भाजपा और कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने निकाली जा रही है। प्रदेश में गरीबों पर अत्याचार और बहन बेटियों के साथ ज्यादती और हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही है। बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और बेरोजगारी करोड़ों से ऊपर जा रही है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और किसान वर्ग बेहद ही परेशानी में है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुजन राज अधिकार यात्रा इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो जनविरोधी नीतियां हैं और उनके षड्यंत्र हैं उनका पर्दाफाश करने और ओबीसी समाज को इस प्रदेश में 27% आरक्षण के समर्थन में और देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और कई प्रदेशों के मुख्य प्रदेश प्रभारी माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी के मार्गदर्शन में दिनांक 26 अप्रैल से ग्वालियर फूलबाग मैदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क से ये यात्रा शुरू हुई है और पिछले 66 दिन से लगातार इस प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में और सैकड़ों गांवों से घूमते हुए आज बालाघाट में प्रवेश किया है। और इस यात्रा का उद्देश्य है इस प्रदेश में जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों की जिताबरू लूटी जा रही है, उनकी हत्या हो रही है, बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और इस प्रदेश में बेरोजगारी करोड़ से ऊपर निकल गई है। इस प्रदेश का किसान परेशान है, बहन बेटियाँ परेशान हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, महंगाई बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार भी इस तरह से किया है कि अभी सतपुड़ा भवन में इन्होंने आग तक लगा दी सारी फाइलों को जलाने के लिए, तो इन सारी करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए और बहुजन राज अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक्टिविटीज और गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में हमारी नीति होगी कि ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिले और प्रदेश में लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल बहाल हो, उनमें शिक्षा का गुणात्मक सुधार हो, साथ में भ्रष्टाचार और घोटालों पर अंकुश लगे। ऐसे तमाम मुद्दों पर बसपा चुनाव मैदान में नजर आएगी। 5 महीने बाद चुनाव है, क्या सिंगल पार्टी लड़ेगी बीएसपी, क्या और भी अलायंस करेगी? बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी और अच्छी दमदारी के साथ लड़ेगी। क्या नीति लेकर जा रही पब्लिक के बीच में? पब्लिक के बीच में नीति ये है कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण बहुजन समाज पार्टी लागू करेगी और जो प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं उनको दोबारा से चालू करके शिक्षा नीति को सुधार करने का काम करेगी। जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके पढ़ने पर पहले फोकस किया जाएगा। दूसरा, इस प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चरमरा गई हैं, व्यापम घोटाला, इस प्रदेश में लाखों बच्चे कुपोषित हैं, उनके पोषण आहार में घोटाला, आयुष्मान कार्ड में घोटाला हो रहा है, यानी स्वास्थ्य विभाग का तो आलम ही इतना ढर्रा खराब हो गया है कि अब गरीब बहुत परेशान हैं, इनको समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी इस बार सभी लोग पसंद कर रहे हैं और इस बात का कहीं ना कहीं मीडिया भी इसको समझ रहा है। अभी एबीपी न्यूज का सर्वे भी हुआ है, बसपा इस बार केंद्र में बनेगी, तो आप देखते जाइए आगे आगे होता है। इसी तरह उन्होंने बीएसपी के लगातार घटते जनाधार और गिरते वोट आउट परसेंटेज पर कहा कि इस तरह का उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहता है।
इस प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है और अभी भाजपा कर रही है। दोनों ही पार्टियों के शासन को जनता ने देख लिया है, अब उन्हें केवल बसपा पर भरोसा है, इसीलिए इस बार बसपा जरूर जीत कराएगी। 15 सालों में वोट आउट परसेंटेज घटा है, बीएसपी का डाउनफॉल भी हुआ है, सीटें भी घटी है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आपको? ये तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस ने काफ़ी लंबे साल राज किया है, अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का वो राज आने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियों का राज इस प्रदेश की जनता ने देख लिया है, इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी आएगी।